खबर कोटा से, जहां पर घायल वृद्ध महिला के परिजनों से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने एमबीएस हॉस्पिटल में मुलाकात की और इस दौरान गुंजल ने कहा कि जो घटना हुई है वह प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कानून का खौफ बदमाशों में बचा नहीं है। गुंजल ने कहा कि आने वाले 3-4 दिन में पुलिस इस घटना का खुलासा करे कि वो कौन लोग थे। प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा कि आरोपी पकड़े जाने चाहिए, नहीं तो मैं परिवार के साथ बैठूंगा और सर्व समाज को साथ लेकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। झोपड़ा में जिस प्रकार की घटना हुई है, 80 वर्षीय वृद्धा का पैर काटकर केवल चांदी के एक कड़े के लिए, मैं समझता हूं कि कानून का खौफ बदमाशों में बचा ही नहीं। साधारण घटना नहीं है। 1 महीने पहले आधा किलोमीटर दूर किसी के कानों की सोने की मुर्कियाँ छीन कर ले जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते। 1 महीने बाद ये घटना हो जाती है। ये फेल्योर नहीं से शासन और प्रशासन का, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आने वाले 3-4 दिन में खुलासा करें कि कौन लोग थे जिन्होंने इस वृद्धा के साथ इस प्रकार की अमानवीय हरकत की है। पैर काटा एक छोटे से चांदी के कड़े के लिए, पकड़े जाने चाहिए, निश्चित रूप से दंडित होने चाहिए, नहीं तो मैं परिवार के लोगों के साथ 2-4 दिन बाद में बैठूंगा और सर्व समाज को साथ लेकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।